मुझे एक पुरानी कहानी याद आती है जिसको इस समय मुझे कहने में बहुत अच्छा लगेगा। हमारे भारत देश में एक महान वैज्ञानिक हुए श्री जगदीश चंद्र बोस। आप जानते हैं कि सारी दुनिया ने उनकी विद्वता को माना और उनको दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबल पुरस्कार मिला। श्री जगदीश चंद्र बोस ने अपनी जो कुछ भी किया जीवन में उसके बारे में समय समय पर बहुत कुछ लिखा। उन्होंने लेख लिखे, व्याख्यान दिए। उनके बहुत सारे लेख मैं मेरे विद्यार्थी जीवन में पढ़ता रहा क्योंकि मैं भी विज्ञान और तकनीकी का विद्यार्थी रहा। प्रोफेसर बोस का एक लेख जो बाद में उनकी आत्मकथा जैसा बन गया बहुत चर्चित है पूरी दुनिया में। उसके शुरू के दो तीन वाक्य मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले वैज्ञानिक वो थे जिन्होंने ये सिद्ध किया कि पौधों में जान होती है, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, उनको भी सुख दुख का अनुभव होता है, उनको भी प्रेम दया और करुणा का अनुभव होता है, जैसे मनुष्य को होता है वैसे ही पौधों को होता है। ये सत्यापित करने वाले, सिद्ध करने वाले वो पहले वैज्ञानिक बने। भारत में यूं तो हजारों साल से ये कहा जाता रहा है कि पौधों का जो जीवन है वो मनुष्यों के जैसा ही है। जैसे हम किसी बच्चे को बड़ा करते हैं वैसे ही कोई वृक्ष भी बड़ा होता है। जिस तरह से बच्चा सुख दुख प्रेम करुणा दया का अनुभव करता है वैसे ही वृक्ष करता है। ये हमारे देश में हजारों वर्ष पहले एक बड़ा शास्त्र लिखा गया, वृक्ष आयुर्वेद, उसमें कहा गया। वृक्ष आयुर्वेद में जिन्होंने ये कहा वो एक बड़े महान ऋषि थे, उनका नाम था भरद्वाज। भरद्वाज ऋषि का नाम हम सब जानते हैं। उन्होंने सबसे पहले ये कहा भारत में कि पेड़ पौधों का जीवन वैसा ही होता है जैसे मनुष्यों का होता है। और ऋषि भरद्वाज का जो समय है वो आज से लगभग 3.5 से 4 हजार साल पहले का है। तो ये जो महान ऋषि पहले बोल गए उसको श्री जगदीश चंद्र बोस ने आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत और तर्कों पर सिद्ध कर दिया और इसीलिए उनको नोबल पुरस्कार मिला। उन्होंने जो लेख लिखा है उसके कुछ वाक्य हैं जो आप कभी मत भूलना। वो ये कहते हैं कि जब मैं ये प्रयोग कर रहा था कि पौधों में जान होती है, पौधे सांस लेते हैं, उनको दया प्रेम करुणा का अनुभव होता है, तो मैंने एक प्रयोग किया और वो प्रयोग ये था कि उन्होंने अपने घर में कुछ पौधे लगाए और उनके दो हिस्से कर दिए, एक हिस्से में कुछ पौधे, दूसरे हिस्से में कुछ पौधे। प्रोफेसर बोस लिखते हैं कि मैं रोज सवेरे उठता था और एक हिस्से के पौधों के सामने जाके भरपूर गालियां देता था। गालियां कैसी देता था? तुम निकम्मे हो, तुम नकारा हो, तुम नालायक हो, तुमसे कुछ हो नहीं सकता, तुम बहुत कुरूप हो, तुम्हारी त्वचा का रंग खराब है, तुम में कोई गुण नहीं है, दुर्गुण ही दुर्गुण भरे हुए हैं। सारी गालियां उनको वो देते थे। थोड़ी देर के बाद वो दूसरे हिस्से के पौधों के पास आते थे और उनको कहते थे कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे गुण बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा रंग बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तुम्हारे इतने सारे गुणों का मैं मेरे जीवन में कोशिश कर रहा हूं आचरण करने का। तो दूसरे हिस्से के पौधों के सामने वो कुछ अच्छी अच्छी बातें करते थे। परिणाम क्या हुआ? खुद प्रोफेसर बोस कहते हैं कि थोड़े दिन के बाद उन्होंने देखना शुरू किया कि जिन पौधों को वो गालियां देते थे वो मुरझाते चले गए, खत्म होते चले गए और थोड़े दिन के बाद पूरे सूख गए। और जिन पौधों को उन्होंने बखान किया था उनके गुणों का, सद्गुणों का, और अच्छा बोला था, वो पौधे हरे भरे रहे और बहुत तेजी से उनका विकास हुआ। प्रोफेसर बोस ने यह समझाया कि अगर पौधों के सामने हम उनके अवगुणों की चर्चा करें और हर समय उनको निकम्मा, नालायक और बेकार सिद्ध करें तो वो भी मुरझा जाते हैं। मैंने प्रोफेसर बोस की इस बात को आज के व्याख्यान का आधार बनाया है। अंग्रेजों ने 200-250 साल हमारे साथ यही किया। तुम नालायक हो, निकम्मे हो, नकारा हो, तुम्हारी त्वचा काली है, तुम्हारे गुण खराब हैं, तुमको सभ्यता नहीं आती, तुमको संस्कृति नहीं आती, हम गोरे हैं, बहुत अच्छे हैं, सभ्यता हमारे पास है, संस्कृति हमारे पास है, सद्गुण हमारे पास हैं, हम भगवान के दूत हैं, भगवान ने सीधे हमको भारत पर राज्य स्थापित करने के लिए भेजा है। ये वो हमको 250 साल कहते रहे।
जो प्रोफेसर बोस के पौधे कुछ महीने ही गालियां सुनने के बाद मुरझा गए, तो भारतवासी तो 250 साल ये गालियां सुनते रहे, उनका क्या हुआ होगा? जरा कल्पना करें क्या हुआ होगा। वो तो बिल्कुल आत्महीनता की स्थिति में आ गए। उन्होंने तो ये मानना ही बंद कर दिया कि हमारे देश में कुछ अच्छा भी है, हमारी सभ्यता में संस्कृति में कुछ बेहतर भी है, हमारे पास कुछ सद्गुण भी है, ये मानना ही हमने बंद कर दिया। और ये गिरावट और आत्महीनता इतनी 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 नीचे गिर गई कि हमारे देश का जो शासक वर्ग है उसके अंदर कूट कूट कर भर गई। और समय समय पर हमारे देश के शासक वर्ग ने बार बार हमको ये याद दिलाया कि देखो अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको शिक्षा दे गए, अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको टेक्नोलॉजी दे गए, अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको विज्ञान सिखा गए, अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको सभ्यता सिखा गए। और ये शासक वर्ग हमारा पिछले 59 साल से यही गा रहा है। अब वो ये कहते हैं कि चूंकि अंग्रेज बहुत अच्छे थे, सभ्यता अच्छी थी, संस्कृति अच्छी थी, तो उनके यहां से जो कुछ भी आएगा वो सब अच्छा होगा। तो हमने क्या किया, आजादी के बाद अंग्रेजी न्याय पद्धति को अपना बना लिया, आजादी के बाद अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को अपना बना लिया, आजादी के बाद अंग्रेजी विज्ञान और तकनीकी को अपना बना लिया, आजादी के बाद अंग्रेजी मान्यताओं को अपना बना लिया, आजादी के बाद अंग्रेजी भाषा को अपनी मातृभाषा जैसा बना लिया, आजादी के बाद अंग्रेजों का खान पान हमने अपना लिया, आजादी के बाद उनका पहनावा उनकी भूषा हमने ओढ़ ली, आजादी के बाद ऐसी कोई चीज बची नहीं हमारे पास जिसको हम कहें कि ये अपना है। अब मुश्किल क्या हुई कि हमने ये बिना सोचे समझे हमारे शासक वर्ग के कहने पर अपना तो लिया, लेकिन अंदर से जो हमारा दिल है, जो हमारी आत्मा है, उसकी जड़ें कहीं थोड़ी बहुत भारतीय संस्कार में डूबी हुई हैं, तो हमारी खिचड़ी बन गई। और उस खिचड़ी में रोज रोज जीवन में मैं देखता हूं, ना तो हम भारतीय रह पाए ना पूरी तरह से अंग्रेज बन पाए। बहुत अच्छा होता कि हम सब पूरी तरह से अंग्रेज बन जाते तो शायद इस देश का कुछ भला तो हो ही जाता, या बहुत अच्छा होता हम पूरी तरह से भारतीय हो जाते तो और भी भला होता। अब हम ना अंग्रेज हैं ना भारतीय हैं, हमारी खिचड़ी हो गई है, हमारा कचूमर बन गया है, हमारा सलाद बन गया है, या मिक्स्ड वेजिटेबल हो गया है, या मिक्स्ड फ्रूट हो गया है, जो कुछ आप कहें, ये हमारे जीवन में आया।